नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे महाकौशल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। महाकौशल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जबलपुर के जो मेयर हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। जगत बहादुर अन्नू अब बीजेपी के हुए। डिंडौरी जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल। इसके अलावा कई कांग्रेस पार्षदों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, दिग्गजों की मौजूदगी में बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। महाकौशल में कांग्रेस को बड़ा झटका। जबलपुर मेयर महापौर जगत बहादुर अन्नू बीजेपी में शामिल हो गए। मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा जब से हुई है, परमात्मा ने हमारा राम राज्य लाने की दिशा में ये परिवार बड़ा करने का ये जो अभियान चलाया है, व्यक्तिगत परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर जो पार्टी को खड़ा करता है, ये उसके दिन ऐसे ही आते हैं जो कांग्रेस के हो रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनने अपने बलबूते पर जब समय समय पर बड़ी बड़ी परीक्षा देकर के, और आज तो समय बदल गया है क्योंकि अब भाजपा का जीतना केवल भाजपा के लिए जरूरी नहीं, भाजपा का जीतना देश के लिए जरूरी, इसलिए आपने बड़ा कदम उठाया, देश के लिए कदम उठाया। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने 2023 के चुनाव से पहले कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो अब तक कांग्रेस के मन में भी मोदी देश के अंदर छा गए हैं। इस बार तो 29 की 29 सीटें जीत करके मोदी जी की झोली में डालना है, और देश के अंदर सर्वाधिक वोट परसेंट मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक का लेकर के आए। मैं उस दिन बहुत आहत हुआ जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। मैं अयोध्या के समीप रहने वाला, हमारा परिवार, हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और उस दिन से मुझे लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विकास और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो देश में बड़ी योजनाएं और उनकी गारंटी आ रही है, उसको लेकर मैं काफी दिनों से विचार कर रहा था और अत्यंत प्रभावित हुआ। और मेयर के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने मेयर जगत बहादुर अन्नू को जयचंद बताया है। यह भी कहा कि कांग्रेस समंदर है। बताइए, अभी भी कांग्रेस को लग रहा है वो समंदर है। कांग्रेस समंदर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच के कारण पार्टी से विश्वासघात किया गया। जबलपुर के कांग्रेस नगर अध्यक्ष और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। एक बड़ा कदम कांग्रेस के नगर अध्यक्ष का। एक तरफ एकता ठाकुर ने दो दिन पहले सदस्यता ली, और आज जब महापौर ने सदस्यता ली तो शहर भर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अयोध्या तिवारी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इसका असर होगा। अयोध्या जी, एक बड़ा कदम, या यूं कहें कि कांग्रेस के धीरे धीरे सारे लोग जो बड़े चेहरे हैं अब वो भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये लोभ लालच से भरे हुए लोग हैं, अति महत्वाकांक्षा से सने हुए लोग हैं, जिसका एक नाम, जिस फहरिस्त में एक और नाम जगत बहादुर सिंह अन्नू जोड़ गया। काम करने के लिए लोकशाही में जनता आपको अधिकार देती है। कांग्रेस का टिकट मिला, कांग्रेस पंजे के निशान पर प्रत्याशी के बतौर महापौर का चुनाव लड़ा, महापौर पे मोहर लगी, पंजे पे मोहर लगी, कांग्रेस की पार्टी पे मोहर लगी, जबलपुर की जनता जनार्दन ने पहुंचाया नगर निगम के महापौर के बतौर सीट पे, पर उसकी परिणति आज आपको देखने को मिल गई। जनता की पीठ में चोरा घोंप दिया, लोकशाही का सरासर अपमान किया, लोकतंत्र का मखौल उड़ाया, और आज भाजपा में शामिल हो गए। बहरहाल, चुनाव में क्या परिणाम आएंगे इसके और इसका क्या असर होगा बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं पर, ये वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। पवन पटेल, न्यूज 18, जबलपुर। गुना में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दिग्विजय सिंह के करीबी और गढ़ा राजघराने के मुखिया सुमेर सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुमेर सिंह गढ़ा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य और गुना जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में उनका नाम बमौरी से कांग्रेस प्रत्याशी के दावेदारों में शुमार हुआ था। इन्होंने भी
राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस के रवैये से नाराज होकर बीजेपी ज्वाइन की है। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता जल्द बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। मेरा अनुरोध है आदरणीय सुमेर सिंह पर पधारने की कृपा करें। केवल इसलिए नहीं क्योंकि एक ऊर्जावान नेतृत्व आज राष्ट्र के मुख्यधारा के साथ जुड़ा है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि हमारा पथ जीवन में राजनीति का पथ नहीं लेकिन जनसेवा का पथ है। राजनीति में आदरणीय महेंद्र सिंह जी से सोदिया बोल दूं, श्री पवन सिंह जी, पवन जी जमरा, तालियों से उतार लूं। और अब बात करेंगे हरदा में तबाही के मंजर की। तो बड़ा अपडेट ये कि भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरदा रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में वो हरदा पहुंचेंगे, मौके का जायजा लेंगे, पीड़ितों से मुलाकात भी वो इस दौरान कर सकते हैं। हरदा के लिए वो रवाना हो चुके हैं और उनके हरदा पहुंचने से पहले जिला अस्पताल में हलचल है, पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री जिला अस्पताल में हादसे के प्रभावितों से, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तो हरदा में जिस तरह का घटनाक्रम कल आया उसके बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद हरदा के लिए रवाना हो चुके हैं। हरदा वो पहुंचेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। कल लगातार वो मॉनिटर करते रहे, कल की उनकी जो व्यस्तताएं थी वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी और अब वो खुद हरदा पहुंचने वाले हैं। हरदा पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। उनके इस दौरे के मद्देनजर जिला अस्पताल में हलचल तेज हो गई है, प्रशासन अलर्ट पर है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कल पूरा घटनाक्रम रहा, और एक तस्वीर अस्पताल की जहां आज पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मौके का जायजा भी लेंगे, पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे और इसके मद्देनजर अलर्ट पर पूरा प्रशासन। तो हरदा हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई घायल हैं, कई ऐसे हैं जिनका अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री में काम करने दूर दूर से मजदूर कर्मचारी आते थे, इनमें से कई का अब तक इनकी कोई जानकारी नहीं। परिजन उन्हें ढूंढते हुए आसपास के शहरों से हरदा पहुंच रहे हैं, अस्पताल, थाने और फैक्ट्री के आसपास अपनों को तलाश कर रहे हैं। फटाका फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन जो जख्म है वो अब भी ताजा है और इन जख्मों की भरपाई हो नहीं सकती क्योंकि कई लोगों ने अपनी जान यहां पर गंवाई है। कई पीड़ित हैं, कई घायल हैं जिनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है और कई लोग जो हैं वो अब भी लापता हैं। आप देख सकते हैं कि जो फैक्ट्री साइट है उसके पास ही एक गौशाला बनी हुई है जहां पर एक कैंप लगाया गया है, जहां पे जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहां पर मौजूद है और जो घायल यहां पर पहुंच रहे हैं उनका उपचार किया जा रहा है, उनको यहां पे रजिस्टर किया जा रहा है, जरूरी दवाओं की व्यवस्था जो है वो यहां पर की गई है। और इसके साथ ही एक दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि जो पीड़ित हैं उनके लिए एक आश्रय स्थल भी जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और जो पीड़ितों के परिजन हैं वो आकर यहाँ पर रुक रहे हैं और उनके खाने पीने की और तमाम जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। लेकिन इस सब के बीच कुछ